प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा की थी कि मूल्यांकन के अंतर्गत मापन के कार्यों के विषय में, जिसमें जो मापन के कार्य थे, वर्गीकरण करना, तुलना करना, चयन करना, निदान करना, इनके विषय में हमने बातें की थी। अब हम आते हैं प्रिडिक्शन, पूर्व कथन करना। पूर्व कथन करने से आशय है किसी चर के आधार पर भविष्य की कार्य क्षमताओं के संबंध में भविष्यवाणी करने से। जैसे यदि कोई छात्र गणित में बहुत अधिक उच्च उपलब्धि रखता है तो पूर्व कथन किया जा सकता है कि वह इंजीनियरिंग या गणित से संबंधित अन्य व्यवसायों में उच्च उपलब्धि प्राप्त करेगा। पूर्व कथन द्वारा छात्रों को ग्रेड प्रदान करने तथा प्लेसमेंट में सहायता मिलती है। अब है अगला, कक्षा शिक्षण में सुधार करना। कक्षा शिक्षण में सुधार करने में मापन अध्यापक की बहुत सहायता करता है। एक शिक्षक अपने कक्षा में सभी छात्रों को एक समान पढ़ाता है। प्रत्येक छात्र की उपलब्धि का परिणाम परंतु अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक छात्र की मानसिक योग्यता में अंतर होता है। कई छात्र एक विषय वस्तु को जल्दी सीख लेते हैं, कोई अधिक समय लगाता है। इन दोनों अवस्थाओं में शिक्षा में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अध्यापक प्रशिक्षण के परिणामों का मापन करके सरलता से यह मालूम कर लेता है कि उसके शिक्षण से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और कितने नहीं। इस प्रकार से वह विश्लेषण करके अपने शिक्षण में सुधार एवं परिमार्जन कर सकता है, जिससे कि कक्षा शिक्षण में सुधार होता है। अब है अगला, शोध करना। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, इनका व्यापक ढंग से प्रयोग अनुसंधान के लिए किया जाता है। मापन सभी प्रकार के शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार होता है, जिसकी सहायता से ही विभिन्न शोध विकल्पों, आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या करके परिणाम निकालना संभव हो जाता है। इसीलिए मापन को अनुसंधान का केंद्र बिंदु माना जाता है। अब मापन के कार्य में जो है वो है निर्देशन एवं परामर्श करना, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मापन छात्रों के निर्देशन एवं परामर्श में सहायक होता है। इसकी सहायता से छात्रों को विभिन्न विषयों एवं व्यवसायों के चयन में मार्गदर्शन दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन के ऐसे अनेक पक्ष होते हैं कि जहां हमें मापन की आवश्यकता होती है। खुदा से मापन जीवन के लिए बहुत अधिक महत्व उपयोगी है, चाहे वह हमें व्यवसायिक परामर्श के लिए, राजनीतिक परामर्श के लिए, मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए हम मापन का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं कि जो मापन है, मापन का कौन कौन सा स्तर है, मापन के की मापनी या स्वत, स्केल्स आर लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मापन का अभिप्राय किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने से है। जो शैक्षिक मापन का आधार है वह आंकड़े होते हैं। मापन किसी भी प्रकार का किया जाए, चाहे भौतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो तथा मनोवैज्ञानिक, सब में आंकड़े हमें उपलब्ध कराने ही पड़ते हैं। इस प्रकार से
सुविधा की दृष्टि से हम आंकड़ों को चार स्तरों के अंतर्गत रखते हैं और इन स्तरों को ही मापन के स्केल कहते हैं। जो स्तर जितना नीचे होता है उसका मापन उतना ही सरल होता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए मापन में हमारे निष्कर्षों की शुद्धता उतना ही संदेहास्पद होती है। लेकिन इसके विपरीत जितना उच्च होता है स्तर उसका मापन उतना ही जटिल होता है। इस प्रकार से जो मापन के स्तरों का वर्गीकरण किया गया है उनमें लेवल ऑफ रिफाइनमेंट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, सोफिस्टिकेशन, ये चार चीज़ें जो वर्गीकृत किया गया है। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं, शील गुणों अथवा विशेषताओं को संख्यात्मक या परिमाणात्मक रूप प्रदान किया जाता है। मापन की इन विधियों को मापनी या स्तर भी कहते हैं। वास्तव में जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं इनमें ये चार, नॉमिनल स्केल, नाम संबंधी अथवा शाब्दिक मापनी जिसको नामित स्तर मापनी भी कहते हैं, दूसरा है ऑर्डिनल स्केल, क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, तीसरा है इंटरवल स्केल या अंतराल मापनी, और चौथा है अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। इस प्रकार से ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के चार प्रकार हैं। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।